बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, इंग्लिश नॉर्मल का, उसके करेक्ट MCQ जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग जो है वो अपने MCQ चेक कर लें कि आपके करेक्ट हैं या नहीं। तो पहला MCQ है आपका, द नेम ऑफ द अकाउंटेंट इन माई बैंक अकाउंट वॉज Montgomery। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई वॉज टू एबसेंट टू रीजन नाउ, द स्पीकर इज स्टीफन लीकॉक। अपार्ट फ्रॉम बींग अ प्ले राइट एंड अ पोइट, विलियम शेक्सपियर वॉज ऑल्सो एन एक्टर। गुलाम अली अलाना इज अ पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। द सस्पेक्ट गेस्ट इन द प्ले द होस्टल विटनेस इज रॉबर्ट किंग। अ हैप्पी मैन्स पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स। द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो इज एन एक्सीलेंट मार्क्समैन। चार्लोटे इज मेडन नेम ऑफ मिसेस मेल्डन। एंग्लो सैक्सन इज यूजुअली नोन एज द ओल्ड इंग्लिश। द इन द पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी द वर्ड सेवियर रेफर्स टू द क्रिस्ट। द काउंट्स रिवेंज प्रेजेंट दिस सोसाइटी फ्रेंच। द ड्यूल वॉज टू टेक प्लेस एट बॉयज डिविंसिनस। द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम द टॉयज इज फॉरगिवनेस। द पोएम लूसी ग्रे इज एन बैलेट। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज फ्लाई इज फ्लोन। मिल्स बॉम वॉज used in the First World War. The antonym of the word antagonist is protagonist. The duel between the Count and Albert was to be fought with pistols. On the answer of the first question, the King John swore by Saint Bittel. ऑन द आंसर ऑल पेरिस, इसका जो आपका फर्स्ट, इसका जो आंसर है वो आपको मैं बता दूँ, इसका 1851 है। ठीक है, और जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टॉकिंग अबाउट, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर ये तस्वीर का वो आ रहा है इन्फिनिक्स का, बाकी ये आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। हंगर इज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ FAO। ठीक है, द वर्ड टेलीविजन मीन्स टू सी फ्रॉम फार। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ब्रॉट टू ऑल द वर्ल्ड मिजरीज। इन द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैनाल्स रिवर्स एंड लेक्स हैव ऑल बीन हाईवेज। द ट्रेडिशनल क्रिसमस ह्यूमन कंट्रीब्यूटिंग अ ग्रेट डील टू द एटमोसफेयर ऑफ क्रिसमस आर नोन एज कैरल्स। द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट। दीज वर्ड्स वर स्पोकन टू द बैरोनेस बाय एमिली। The word admiral is derived from the compound Arabic word Amir al-Bahar. The badly arranged work is usually considered to be unscientific.
The methods of science apply only to those things which can be observed, measured and treated mathematically. The house of the Count of Monte Cristo is located in the Rue de Helder. The Chamber of Deputies was the French lower house of the parliament. Never to eat food in the house of deadly enemy is the custom of Arab. The real name of Mrs. Meldon was Charlotte. According to Professor Henry Corey, his invention will revolutionize warfare. Professor Henry Corey had discovered a combination of gases and explosives. This person did great wrong and maintained the little right. King John. Mighty Heart in the poem Sonnet composed upon Westminster Bridge refers to London. According to the poem, the lay of the last minstrel is an unpatriotic person always die a double death. Or this had made Abu Binadam bold moonlight. तो ये 40 MCQs आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं. आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. अब एक नज़र देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो सेक्शन बी में जो था वो आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है. और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था और इसके 4 सब सेक्शन थे, ठीक है. तो आपने हर सब सेक्शन में से कम अज़ कम 2 पार्ट जो थे वो सिलेक्ट करने थे और बाकी किसी में से भी आप पूरे 4 भी कर सकते थे, लेकिन हर सेक्शन में से 2-2 आपने लाजमी सिलेक्ट करने थे, ठीक है. तो इस तरीके से ये जो था वो आप लोग का सेक्शन बी था. आपको ऊपर दिखाता चलो, पहला जो था सेक्शन सब सेक्शन इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 से था, फिर सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स पार्ट 1, ठीक है. सब सेक्शन 2 2-1 एक्ट प्लेस में से था और सब सेक्शन 4 जो था वो ग्रामर में से था. सेक्शन सी में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन थे जिनमें से आपको कोई भी 2 करने थे. पहले में आपको लेटर लिखना था इंक्रीजिंग लोड शेडिंग इन योर एरिया, फिर या फिर आप स्टोरी लिख सकते थे, राइट. उसके अलावा आप चौथा क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपको 3 एसेज गिविन थे जिनमें से किसी में एक पर जो था आपने वो पैराग्राफ्स लिखने थे, यानी ऐसे टाइप लिखना था. और इसी तरीके से आपको आखिर में ट्रांसलेशन जो थी वो गिविन थी. तो ये था पूरा इंग्लिश का पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. MCQ सारे आप लोगों को बता दिए. कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.